वेलकम स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ सर्व सर। आप सभी का सर्व सर के क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। हमारा जो आज हम लोग सेवन्थ क्लास के सोशल साइंस का एनवायरनमेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर में जैसा कि हम लोग पहले इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डे वन कंप्लीट कर चुके हैं, डे टू कंप्लीट कर चुके हैं, डे थ्री कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग डे फोर में जा रहे हैं। तो डे वन में हम लोग इन्वायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। डे टू में हम लोग लिथोस्फेयर पढ़े, डे थ्री में हम लोग एटमोस्फेयर पढ़े, और डे फोर में आज हम लोग हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे है ज्योग्राफी क्लास सेवन चैप्टर वन एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी डे फोर। जो बच्चे अभी डे फोर में ज्वाइन कर रहे हैं उनसे आग्रह होगा कि डे वन, डे टू और डे थ्री का वीडियो वो जरूर देखें, तभी जाके ये डे फोर से उनको ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर। तो बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो हम लोग सिक्स क्लास में भी हाइड्रोस्फीयर पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, और उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग क्या है, तो हम लोग जानते हैं आज हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग। तो हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड इन अर्थ। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जितना भी अमाउंट, जो अर्थ में जितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड इन अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हमारे पास स्क्रीन में लिखा हुआ है कुछ समथिंग, वो हम लोग देखते हैं। द टर्म हाइड्रो स्टैंड फॉर वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। यहाँ पे स्टैंड का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, एस टी ए एन डी ए लिखा हुआ है, एस टी ए एन डी ई होगा। द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो हमारे पास वाटर प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये वाटर जो है हमारे सभी फॉर्म ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है। इट इज फाउंड इन सॉलिड। ये सॉलिड फॉर्म में आइस के रूप में पाया जाता है, लिक्विड जो कि हम लोग वाटर पीते हैं उसके लिक्विड रूप में जो हम लोग सबको देख लेते हैं वाटर को, और गैसियस फॉर्म में मतलब वेपर और मॉइस्चर के फॉर्म में भी ये हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है। द सरफेस ऑफ वाटर यानी कि ओशियन, सी और लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा, ये सरफेस ऑफ वाटर है। कवर 71% ऑफ अर्थ सरफेस। यानी कि ये जो वाटर है ना, ये वाटर यानी कि टोटल जो हमारे पास रिवर, लेक्स, ओशियंस, ये सब मिला के 71% कवर कर लेता है अर्थ का सरफेस को। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज हेल्ड बाय एटमॉस्फेयर। और बहुत ही कम अमाउंट वाटर का एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है। एंड ऑल्सो गोज अंडरग्राउंड ऑन द कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द प्रिसिपिटेशन। और बारिश के समय कुछ इसका कुछ भाग, थोड़ा सा हिस्सा हमारे ग्राउंड के अंदर भी चला जाता है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस वाटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। और ये जो वाटर प्रेजेंट है ना, यही हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। द ओशियन आर टीमिंग विथ लाइफ इवन एट डेप्थ वेयर सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट। और ओशियन में सी के अंदर जहां तक लाइट नहीं पहुंचता है वहां भी लाइफ प्रेजेंट होता है। दिस ओशियनिक लाइफ इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस टू लाइफ फाउंड ऑन लैंड। और ये जो सपोर्ट करता है लाइफ को, जो ओशियन में जो हमारे लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं, जो अलग अलग तरह के वहाँ लाइफ फॉर्म्स है, वो सपोर्ट करेंगे हमारे जो लैंड में रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं। द वाटर इन ओशियन इज अल्टीमेटली प्रिसिपिटेटेड ऑन लैंड। और ये जो वाटर ओशियन में मिलता है वो हम लोग जानते हैं वाटर साइकिल के थ्रू हमारे कहाँ पर मिलता है, हमारे फिर लैंड में भी आता है, और वही प्रिसिपिटेट होके वही धीरे धीरे सीपेज करके वो अंडरग्राउंड वाटर बनाता है, जिससे कि हम लोग ट्यूबवेल्स या हमारे घर में पानी हम लोग टंकी में पानी भरते हैं, कुआं खोल के निकालते हैं, या ट्यूबवेल के थ्रू से पानी उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। लाइफ ऑन
लैंड डिपेंड्स ऑन दिस वाटर। और ये जो लैंड में लाइफ फॉर्म्स है, लिथोस्फेयर में जितने लाइफ फॉर्म्स हैं, ये कहीं ना कहीं ये वाटर पे ही डिपेंड करते हैं। और ये वो कौन से वाटर पे डिपेंड करते हैं, जो वाटर हमारा ओशियन वगैरह से लिथोस्फेयर में आता है, यानी अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं, या सरफेस वाटर पे। अंडरग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर, तो सरफेस वाटर उसको कहेंगे जो रिवर और लेक्स के रूप में हमारे पास लिथोस्फेयर में प्रजेंट होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, ओशियन परफॉर्म्स द फॉलोइंग यूजफुल फंक्शन। ओशियन का क्या क्या फंक्शन है? प्रोवाइड्स अ लिंक टू लैंड मास और कॉन्टिनेंट्स। मच ऑफ द वाटर दैट फॉल्स एज रेन, स्नो एक्सेट्रा ऑन लैंड कम्स फ्रॉम द ओशियन। ऑल वाटर फॉलोइंग इन स्ट्रीम्स, रिवर्स और दैट विच इज स्टोर्ड इन लेक्स और अंडरग्राउंड इज मेड अवेलेबल बाय प्रिसिपिटेशन। यानी लैंड फॉर्म वगैरह में जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है, वो कहीं ना कहीं वो बारिश से आता है, और बारिश से आकर या हम लोग देखते हैं ना, जो वाटर हमारे अंडरग्राउंड में है, या वाटर जो हम लोग देखते हैं हमारे रिवर्स में है, वो कहीं ना कहीं वाटर ओशियन वगैरह से फिर वापस रिटर्न आता है, इवेपोरेट होकर, ओशन से इवेपोरेट होकर हमारे क्लाउड्स में आता है, क्लाउड्स फॉर्म होता है, फिर रेन होता है, और रेन होकर फिर वही वाटर हम लोग को मिलता है। ओशियन प्रोवाइड अस फूड। ओशियन से हम लोग को फूड मिलता है, मिनरल्स मिलता है, मिनरल ऑयल मिलता है, एंड गैसेस भी मिलता है, यानी कि मिनरल गैसेस मिलता है, एंड आर यूज्ड फॉर नेविगेशन। और ये जो हमारे पास ओशियन है, ये एक गुड सोर्स ऑफ नेविगेशन भी है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में, या फिर कार्गो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। आगे हम लोग पढ़ते हैं बायोस्फेयर। द बायोस्फेयर इज द जोन वेयर द एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इंटरेक्ट। यानी बायोस्फेयर, ये तीनों स्फेयर कौन कौन सा, तो एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, जिस एरिया पे इंटरेक्ट करता है, जहां आपस में मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर। दीज थ्री स्फेयर्स एक्सटेंड टू सेवरल थाउजेंड्स किलोमीटर हाई इन द एटमोस्फेयर। और ये तीनों स्फेयर कितना, थाउजेंड्स किलोमीटर हाई तक हमारे एटमोस्फेयर, हमारे ये ग्राउंड से थाउजेंड किलोमीटर हाई तक भी चले जाते हैं, एज वेल एज इन टू द वेरी वेल्स ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ के नीचे भी चले जाते हैं। हाउ एवर द डोमेन्स ऑफ लाइफ एक्सटेंड टू ओनली अ फ्यू किलोमीटर इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन द एटमोस्फेयर एज वेल एज डीप इन टू द अर्थ। तो अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से अगर कुछ ही किलोमीटर ऊपर तक ये बायोस्फेयर पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जीवन पाया जाता है, और ग्राउंड के बहुत नीचे भी जीवन पाया नहीं जाता है, ग्राउंड के थोड़े से नीचे है, मतलब जो अर्थ का सरफेस है, सरफेस से थोड़ा नीचे ही लाइफ फॉर्म मिलता है, कुछ ही किलोमीटर तक ये अवेलेबल है। दिस जोन ऑफ इंट्रैक्शन विच कंटेन ऑल टेरिस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स इज नॉन एज बायोस्फेयर। और इसी पार्ट में, जहां पर ये सभी तरह के लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं, उसी को हम लोग बायोस्फेयर कहते हैं। द बायोस्फेयर हैज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। बायोस्फेयर का एक अपना आइडेंटिटी है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, सभी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। इट इज कंसिडर्ड द फोर्थ डोमेन ऑफ द अर्थ। ये चौथा डोमेन, अर्थ का फोर्थ डोमेन कहलाता है। इट्स स्पेशल फीचर इज दैट, इसका जो स्पेशल फीचर है वो है, इन्वॉल्व्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट टू फंक्शन एज अ बैलेंस सिस्टम। और ये एनवायरनमेंट के सभी फंक्शन को, सभी मतलब कंपोनेंट्स को, एनवायरनमेंट के सभी कंपोनेंट, चार कंपोनेंट पढ़ाए थे, चारों को ये इन्वॉल्व करता है, और इस चारों में, तीनों में, तीन चारों में एक बैलेंस सिस्टम लाता है, और इसीलिए ये इसका एक स्पेशल फीचर है बायोस्फीयर का। ओके, नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्फीयर। बच्चे बोल रहे हैं हम लोग तो सर जानते हैं, ये तो वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग उसी से आंसर करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियन। ये भी आपको मिल जाएगा। राइट एनी टू फंक्शन ऑफ ओशियन, ओशियन का कोई भी दो फंक्शन लिखना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फेयर, बायोस्फेयर का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ बायोस्फेयर, बायोस्फेयर का स्पेशल फीचर्स क्या है। नाउ थैंक यू, टाटा।